ऋषि वही तो हम कह रहे हैं। फिलहाल हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम इस चित्र का रहस्य समझना चाहते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, इस चित्र के रहस्य को छोड़िए, हम इस चित्र का रहस्य जान चुके हैं। क्या आप इस चित्र का रहस्य जानते हैं? तो बताइए हमें जल्दी, क्या है इस चित्र का राज? इतना बड़ा राज है, हम ऐसे थोड़ी ना बता देंगे। कुछ रिश्वत की बात करेंगे आप तो। अच्छा रिश्वत, बताइए क्या चाहिए आपको? चुम्बन चाहिए। यहाँ? नहीं नहीं यहाँ नहीं, जनता दरबार। हाँ ठीक ठीक। क्या जनता दरबार में? ऋषि लेकिन यहाँ अगर कोई देख लेगा तो? हाँ यहाँ तो जनता दरबार से भी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं ना। देखिए जल्दी कीजिए, अगर हमारे दिमाग से ये रहस्य किसी ने चुरा लिया ना तो। ठीक है अब बताइए क्या रहस्य है इसका? कौन सा रहस्य? हम तो कोई रहस्य नहीं जानते। मतलब आपने हमें बेवकूफ बनाया? देखिए उर्वशी ठीक बात नहीं है, गलत है। ये बात तो गलत है। ठीक है हम एक काम करते, हम आपकी रिश्वत आपको वापस दे दें। क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है ये? बोल नहीं सकती। अरे बलदेव जी, उर्वशी बोल ही तो नहीं सकती। वो क्या हुआ कि इसने पता नहीं किसी अजीब किस्म की सुर्खी यूं अपने होठों पर लगा ली और उसके बाद इसके होठ चिपक गए। अब होठ ही नहीं खुल रहे तो बोलेगी कैसे? और उसके बाद ये मुझसे कहती है कि मेरा इलाज करो। अब हम कोई हकीम है जो इसके होठों का इलाज करे? बलदेव जी, बलदेव जी इसका इलाज कर सकते हैं, है ना बलदेव जी? हा हा, फिक्र की कोई बात नहीं, अभी हम इलाज किए देते हैं। हमारे होठ खुल गए, खुल गए हमारे होठ। कैसे? कैसे? हमें क्या मालूम? बस ऐसे ही, वो होता है ना जब वैद्य को देख के तबीयत ठीक हो जाती है, वैसे ही इलाज के बारे में सोच के हमारे होंठ खुल गए हैं। हम चलते हैं। अरे उर्वशी, उर्वशी! बलदेव जी, कमाल का इलाज किया आपने, वैसे आप कमाल की चीज हो। वो तो हम है ही। अब ये बताइए कि आपने ये चित्र का रहस्य समझा? बलदेव जी हम वही कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही करते रहेंगे आप? थोड़ी कोशिश हम भी कर लें। अरे बलदेव जी, अरे बलदेव जी, बलदेव जी, अरे अरे संभाल ले गिर जाएंगे। इस चित्र में है क्या? पल्ले पड़ा हुजूर, उस तरह खोल के? कुछ, सब कुछ, सब कुछ हमारे समझ में आ गया फूलचंद, सब कुछ आ गया। महान चित्रकार मनमौजी जब मुगल दरबार में आए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो हमसे बहुत 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 प्रभावित थे। आपसे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हुजूर आला कि आखिर भला इस चित्र के साथ आपका क्या वास्ता है? उस तरह खोल के? उस तरह से नहीं, इस तरह से देखो फूलचंद, इस तरह से। ये चित्र नहीं है? हमारी जिंदगी की दास्तां है, दुख भरी दास्तां।
मतलब हुजूर? मतलब ये है कि महान चित्रकार मनमौजी ने जहां पनाह को ये चित्र हमारे बारे में भेजा है, हमारे बारे में। ये मोर जिसके सर पे होने चाहिए थे उसे कुएं का मेढक बना दिया है, ये दरबान बना दिया है, और वो धोखेबाज बिरबल दुश्मन को जिस भाले से मारना चाहिए था उसे आभूषणों से नवाजा गया है। हमारे जैसे लायक और काबिल की किस्मत ये खाली बर्तन जैसी है, और वो सावन के अंधे बिरबल को ये हरियाली ही हरियाली दे दी गई है, और यहां तक कि हमारी मेहनत का फल ये केला भी बिरबल को दे दिया गया है। तो ये है आपके हिसाब से चित्र का रहस्य? अब समझ में आई बात तुम्हारी खोपड़ी में? मौका बड़ा अच्छा है आपके पास हुजूर, इस मौके को हाथ से न जाने दीजिएगा उस तरह खोल के। हैं? कैसे? देखिए हुजूर, जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा हुजूर। ये तो तय है कि इस चित्र का रहस्य सबकी समझ से परे है, यहाँ तक कि तथाकथित बुद्धिजीवी बीरबल जी की भी समझ के बाहर की बात है हुजूर। इसलिए ये मौका बड़ा खास है, इसे आप गंवाइएगा नहीं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं हुजूर उस तरह खोल के। और कैसे आप सोचिए हुजूर। वजीरे हिंद का एक बाल बुलंद हो। फिर से एक ही बाल क्यों बुलंद हो? एक बार और हुजूर, वजीरे हिंद का एक बार बुलंद हो। ठीक है ठीक है, बोलो। शहजादे सलीम ने एक चित्र मंगवाया है। ठीक है अभी हम भिजवाते हैं, जाओ। जो आज्ञा। फुलचंद हुजूर, ये चित्र ले जाके सलीम शहजादे को दे दो। फुलचंद जी, आप ठीक तो है ना?